नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये कोई राशन बटने की लाइन नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। प्रदेश सरकार, झांसी प्रशासन बार बार अपील कर रहा है लोगों से, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी गदर मची हुई है। आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, कौन से दिन से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं ये कोई पता नहीं है। ऐसे रोड पर आधार कार्ड तो नहीं बनते हैं, इसका कोई ऑफिस होना चाहिए। लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए। ये रोड पर कहीं भी आप बैठ जाओ और आधार कार्ड बनाने लगो, ये कोई जायज बात तो नहीं है। ये मेन रोड है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आप देख सकते हैं, ये आप भीड़ को देखिए। इस भीड़ को देख के आप कह सकते हैं कि कोरोना नहीं फैलेगा, ये तो लाजमी है कोरोना फैलना। आप देखिए, आप देख सकते हैं जैसे फ्री में पैसा बट रहा हो और यहाँ पर राशन के लिए लाइन लगाए हों लोग बाग, ये अच्छी बात नहीं है हमारी झांसी के लिए। कोरोना वैसे ही फैल चुका है, चरम सीमा पर है, लोग मान नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मार्केट संवाद बार बार अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाकर निकलिए, सैनिटाइजर जिम में रखकर चलिए। ये कौन सा आधार है आधार कार्ड बनाने का कि रोड पर आधार कार्ड बनाया जा रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं, जाओ हट जाओ, आप थोड़ा पीछे हट जाइए, आपका नाम आ जाएगा, नाम आता है तो आप यहीं खड़े हो जाए, पीछे हटके खड़े हो जाए। चारों से आपको दिखाया भीड़ का नजारा, पुलिस प्रशासन भी खड़ी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे नहीं होता है, जिस तरीके से लोग लाइन लगाए हैं ये हमारी झांसी के लिए अच्छी बात नहीं है। झांसी में कोरोना फैल चुका है, लोग समझ नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं, भीड़ का नज़ारा देखिए, लोगों को अपने स्वास्थ्य की कोई फिक्र नहीं है, बस आधार कार्ड बन जाए हमारा। ठीक है, प्रशासन की अच्छी पहल है, लोग भटक रहे थे, हमने भी मार्केट संवाद चैनल से ये अपडेट दिखाई थी कि आधार कार्ड को बनना चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी बनाए जाते हैं आधार कार्ड, जिस तरीके से चौराहे पर रोड पर खड़े हो गए और आधार कार्ड बनाने लगे, ये कौन सी व्यवस्था है? हमारे तो समझ से बाहर है। मार्केट संवाद अपील करता है प्रशासन से कि इस व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था में तब्दील करें, कहीं पर ऑफिस व्यवस्था करें जिससे रोड पर भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं कितने पास में लोग खड़े हैं, ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है क्या? आप खुद देखिए, ये भीड़ कोई सरकारी पैसा लेने के लिए नहीं है, ना ही राशन देने के लिए है, ये भीड़ आधार कार्ड बनवाने के लिए है। ये हमारे सरकार की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है लोगों से, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना मास्क लगाकर निकलते हैं, तभी तो कोरोना फैलता है। मास्क तो लगाए हैं कुछ लोग, 2-5% लोग नहीं लगाए हैं मास्क, लेकिन ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन किया जा रहा है,
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। ये आप जो भीड़ लगाए हुए हो, ये किसके आदेश के द्वारा लगाए हुए आप? तो ये रोड पे आधार कार्ड बनाए जाते हैं? बैंक के अंदर भीड़ हो रही है, कैश का काम होता है, इस वजह से बैंक के बाहर। नहीं तो रोड पे कहीं भी बैठ जाओ, दुर्घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? सर आप पब्लिक ही नहीं मान रही क्या? पब्लिक मान, आप बैठे हो तो पब्लिक को क्यों दोष दे रहे हो? ये बताइए, अगर टोकन नहीं बांटेंगे काम नहीं होगा। आप अपनी व्यवस्था अगर सही जगह रखते तो रोड पे भीड़ थोड़ी लगती। बैंक के एम्प्लॉइयों को दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे बुलाओगे? थोड़ा थोड़ा करके बुलाते लोगों को, ये भीड़ देख रहे हो आप? डेली ऐसी ही भीड़ आ रही है, लेकिन अपन ने उसका सिस्टम। अगर कोई दुर्घटना होती है तो बैंक जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? आप बताइए सर, किस तरीके से टोकन बांटे जाए आप बता। मतलब मैं बताऊं कि टोकन कैसे बांटे, कैसे बांटोगे? परेशान है क्योंकि। अरे तो इसकी सुचारू व्यवस्था की जाती है, 10-10 लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बुलाए, उनके बनाए कार्ड। ये आप खड़ी है, देखिए आप भीड़, आप देख सकते हैं ऐसे कार्ड बनाए जाते हैं। हम कोई ना बुला रहे सर, पब्लिक तो खुद आ रही है। अरे तो आप अपना आदेश निकालिए कि पब्लिक रोज आए, 10 लोग 20 लोग, कोई व्यवस्था करिए ना आप अपने बैंक की। ये क्या है ना, ये देख रहे हो, सरकार, प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन परेशान है, है? आप जो भीड़ लगाए हो बैंक वाले, पूरा पुलिस महकमा परेशान है तुम लोगों से, है? प्रशासन परेशान है, वैसे ही कोरोना फैला हुआ है। ये आपको आदेश किसने दिया था भीड़ लगाने का रोड? मैंने भीड़ नहीं लगवाई। और कहाँ से भीड़ लगी है? लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है। अपने आप लोग आ रहे हैं? आपने अड्डा बन, आप पूछिए किसी को, आपने रोड पे अड्डा। बहन जी आपको किसने बुलाया? आप टोकन लेने आई है ना, आधार बताइए। नहीं तो किसने बुलाया भैया, किसने बुलाया आपको? हमको तो पता चला सर, कहाँ पे बन रहा? बैंक है क्या, रोड है? बहन जी आपको किसने बुलाया? नहीं तो यहाँ रोड का पता दिया था क्या आपको? तो ये बैंक तो है नहीं, रोड है, ये दुर्घटना हो जाए कौन है जिम्मेदार? ये आप देख सकते हैं, लोग बता रहे हैं कि बैंक का पता दिया था। बहन जी कहाँ का पता दिया था आपको? 1 तारीख को टोकन बांटेंगे। बैंक का पता दिया था और रोड पे आप क्यों खड़े हैं? दुर्घटना हो जाए कौन है जिम्मेदार? ये बहुत गलत बात है, ये बैंक वाले समझ नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रोड का नजारा देखिए, यहाँ पर कोई फ्री में पैसा थोड़ी बट रहा है, राशन नहीं बट रहा है, है? मतलब आपको किसने दिया आदेश रोड पे आप भीड़ लगाए? आप प्रशासन को परेशान कर रहे हो, आप पुलिस प्रशासन को भी परेशान कर रहे हो, सबको। किसी को परेशान नहीं किया। फिर आपको किसने दिया आदेश यार? आप देख रहे हो, ये आप भीड़ देख सकते हैं। उनसे कहो 20-20 लोगों को बुलाएं। अभी रोड पर भीड़ लगी हुई थी, अब आप बैंक के पास भीड़ देख सकते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की बैंक वालों की, आप देख सकते हैं। ये आधार कार्ड बनने की व्यवस्था है, हम प्रशासन से मांग करते हैं, मार्केट संवाद चैनल से, और भी व्यवस्था की जाए आधार कार्ड बनाने की या संशोधन करने की, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।